सो वाई आर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग बिकॉज जो नीट पी जी दो हजार इक्कीस का एग्जाम था जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में होना था एंड इट गॉट पोस्टपोन टू अप्रिल ट्वेंटी वन एंड देन टू सेप्टेम्बर ट्वेंटी वन सो फाइनली वो एग्जाम सेप्टेंबर दो हजार इक्कीस में हुआ एंड देन उसका जब रिजल्ट आया उसके बाद काउंसिलिंग स्टार्ट होनी थी जैसे कि नीट यू के बाद काउंसलिंग होती है एंड देन एम में आपको कॉलेजेस मिलते हैं इसी तरीके से एम डॉक्टर्स की स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर एम डी होते हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज़ होती हैं उसके अंदर डॉक्टर्स को स्पेशलिटीज़ में जाना होता है ठीक है तो उसके लिए काउंसलिंग ज़रूरी होती है अब एम्स और जिपमर जैसे एग्ज़ाम्स जो कॉलेज हैं उन्होंने जो फोर टाइम्स से ज़्यादा अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुके हैं 2021 में उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है रिजल्ट नीट पीजी का भी आ चुका है बट अभी तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है यानी वो लोग जिन्होंने अभी एम बी बी कंप्लीट की अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट किया उसके बाद एग्जाम दिया क्रैक कर लिया ऑलमोस्ट फोर्टी थाउजेंड डॉक्टर्स इन इंडिया हैव क्रैक्ड नीट पी जी एंड दे आर वेटिंग कि उनको कब एडमिशन मिले किसी मेडिकल कॉलेज की स्पेशलिटी में राइट right? सो so, उसके लिए काउंसलिंग जरूरी होती है अब काउंसलिंग जो है वो पोस्टपोन की जा रही है लगातार ठीक है सो ट्वेंटी नवंबर को ये डिसाइड हुआ था कि हम काउंसलिंग uh, स्टार्ट करें मतलब तब से मेडिकल uh, फ्रेटर्निटी जो है वो एक यूनाइट हुई एंड एंड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द पोस्पोनमेंट ऑफ काउंसलिंग बट उसके बाद वो नहीं uh, उन्होंने किस गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं सुनी किसी भी डॉक्टर की किसी भी एसोसिएशन की तो सेवनटीन दिसंबर ट्वेंटी से uh, जो ओ पी डी सर्विसज़ हैं यानी जो हमारे पी जीज होते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट्स को तो सेकेंड ईयर एंड जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी थे उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया यानी वो एक्सटेंडेड पी बन गए सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में चले गए बट फर्स्ट ईयर की जो पोस्ट थी वो खाली रही सो उन दोनों ईयर्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इस वजह से डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाए सो दैट फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशंस आने स्टार्ट हों और सब डॉक्टर्स पर वर्कलोड कम हो सो so टू अभी तक का ऐसा एक ईयर गया जिसके अंदर ना ही कोई एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है और ना ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमडी डी स्पेशलिटी में कोई एडमिशन हुआ है दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग